गुड आफ्टरनून क्लास टू, आई एम योर इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर अपर्णा बैनर्जी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश रीडर। जो द बेबी कैटरपिलर, जो द बेबी कैटरपिलर। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई। यहाँ बटरफ्लाई बनी हुई है और आपको इसको कलर करनी है, इसको फील करना है, अच्छे से इसको फील्ड करनी है विद द वैक्स कलर, और यू कैन यूज स्केच पेन। ओके, इट वॉज समर, ये गर्मी का मौसम है। जो द बेबी कैटरपिलर, ये जो कैटरपिलर है इसका क्या नाम है, जो क्रॉल स्लोली एंड नेब द ग्रीन लीव्स, वो धीरे 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 पत्तियों पे रेंगती हुई जा रही है और उसने थोड़ा थोड़ा सा लीव्स को खाया है। खाना देखो, यहाँ पे लीव्स को जो उसने छोटे छोटे बाइट किया है। आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखी हूँ। जो एट ड्यूरिंग समर डे, जो जो है क्या कर रहा है समर डे पे, देन कम ऑटम, फिर क्या आता है ऑटम, कौन से मौसम होता है, सीजन बिटवीन समर एंड विंटर, गर्मी और विंटर के बीच की जो सीजन आती है उसको हम ऑटम बोलते हैं। द ग्रीन लीव्स टर्न येलो, और ऑटम में जो है वो ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। जो वॉन्ट टू प्ले, जो जो है वो खेलना चाहता है, बट सी वॉज स्लो, वो बहुत स्लो है। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गई हूँ। आई हैव बीन क्रॉलिंग फॉर मेनी डेज नाउ, मैं बहुत दिन से रेंग रही हूँ। जो फाउंड अ कोजी प्लेस इन द ब्रांचेस ऑफ अ ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन में, एक ग्रेप वाइन किसको बोलते हैं, अंगूर के पेड़ को, या अंगूर के गुच्छे जो होते हैं ना, अंगूर जिसमें होते हैं उसको ग्रेप वाइन बोलते हैं। तो जो फाउंड अ कॉजी प्लेस इन द ब्रांचेस ऑफ अ ग्रेप वाइन, सी क्विकली मेड अ सॉफ्ट ब्लैंकेट फॉर हरसेल्फ, उसने जल्दी से, क्विकली मीन्स जल्दी से, उसने जल्दी से एक ब्लैंकेट बनाया और वहाँ पे वो आराम करने लगी। आई एम वेरी स्लीपी, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। क्रॉल मीन्स मूव स्लोली, धीरे 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 मूव करना। निबल, छोटे छोटे टुकड़े, बाइट्स खाना। ऑटम, सीजन बिटवीन समर एंड विंटर। ग्रेप वाइन, अ क्लाइंबिंग प्लांट वेयर ग्रेप्स ग्रो, अंगूर के जो पेड़ होते हैं उनको हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। सून इट वॉज विंटर, कुछ दिनों बाद विंटर सीजन आता है। द ग्रेप वाइन वेयर कवर्ड विद स्नो, ग्रेप वाइन का जो प्लांट है, जो अंगूर का पेड़ है, वो बर्फ से, स्नो से कवर्ड हो जाता है। जो वॉज फास्ट एस्लीप विद दैट ब्लैंकेट, वो जो है, जो जो है वो उस ब्लैंकेट में आराम से सो रही थी। इन स्प्रिंग द सन केम आउट विद इट्स ब्राइट सन बीम्स, द प्लांट्स वर्क अप फ्रॉम देयर लॉन्ग विंटर स्लीप, द बर्ड्स सैंग देयर लवली सॉन्ग। और स्प्रिंग का सीजन जब आती है तो सन जो है वो बहुत ब्राइटली, बहुत ब्राइट होके चमकने लगता है, और प्लांट्स वो कब, सारे प्लांट्स जो है, सारे फ्लावर्स जो हैं वो खिल जाते हैं, सारे बर्ड्स जो है वो ट्रीज़ में आ जाते हैं, सारे ट्रीज जो है पूरी तरह से ग्रीन हो जाती हैं। जो बिगिन टू फील वेरी वार्म, अब जो को अच्छा लगने लगता है। हर ब्लैंकेट वॉज वेरी थिक, और उसकी जो ब्लैंकेट है वो बहुत मोटी हो गई थी, बहुत मोटी थी, बहुत हेवी थी। सी स्ट्रेच्ड हर बॉडी, उसने अपने बॉडी को स्ट्रेच किया, इनसाइड द ब्लैंकेट, अंदर ब्लैंकेट के अंदर वो थी, वो अपने बॉडी को स्ट्रेच करती है। ओह माई ब्लैंकेट हैज़ क्रैक्ड,
उसका जो जैसी वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है, उसके ब्लैंकेट जो रहता है वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, बीच से फट जाता है। जो केम आउट टू ग्रीन स्प्रिंग, ग्रेट स्प्रिंग, जो जो है वो बाहर आ जाती है। जो केम आउट टू ग्रेट स्प्रिंग, बट शी हैड चेंज कम्प्लीटली, लेकिन वो पूरी तरह से चेंज हो गई थी। आई हैव बिकम अ बटरफ्लाई, नाउ वो क्या हो जाती है, बटरफ्लाई बन गई है। नाउ आई हैव कलरफुल विंग्स, नाउ शी हैव अ कलरफुल विंग्स। सी आई कैन फ्लाई, नाउ शी कैन फ्लाई। बटरफ्लाई जो है वो उड़ सकती है, फ्लाई कर सकती है। बट कैटरपिलर कांट फ्लाई, कैटरपिलर जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता, बटरफ्लाई फ्लाई कर सकती है। नाउ योर होमवर्क, टेक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। आपको टिक करना है इसमें से जो सही सेंटेंस है। जो वर्स टायर्ड बिकॉज सी हैड बीन ईटिंग लीव्स, क्रॉलिंग फॉर मेनी डेज, प्लेइंग विद द ब्रीज, क्रॉलिंग फॉर मेनी डेज। बहुत दिनों से वो रेंग रही थी पत्तियों पे, पेड़ों पे रेंगते रेंगते वो थक गई थी। Soon it was winter and the grapevine were covered with rain, snow, dust. Winter में grapevine की जो tree थी वो किस चीज़ से covered हो गई थी, snow। यहाँ पे आपको tick करना है snow पे। When it was spring, the plants and the flowers woke up from their winter sleep. Went off to sleep, smiled happily. When it was spring, the plants and the flower woke up from their winter place. यहाँ पे क्या था, सारे जो पेड़ पौधे थे वो क्या थे, सोए हुए थे। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आया, सीजन आया, सारे प्लांट्स जो थे वो जाग गए। वो कब मतलब जाग जाना, सब खिल गए, सारे प्लांट्स खिल गए थे, बर्ड्स आ गए थे, ट्रीज पूरे ग्रीन हो गए थे। जो चेंज इनटू अ बटरफ्लाई, बी जो चेंज इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, बी एंड बटरफ्लाई, जो क्या बन गई, बटरफ्लाई बन गई थी। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एंड यू हैव टू कम्प्लीट दिस, इसको आपको पूरा कम्प्लीट करना है, ठीक है। कम्प्लीट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये आपको अभी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करनी है, ए आपको सिर्फ ए कम्प्लीट करनी है, ठीक है। आपका होमवर्क आज के लिए पेज नंबर 5 ए को कम्प्लीट करना है, ओके?